हेलो दोस्तों, चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, चलो ये रहा नेट जून 18 का क्वेश्चन है। किसका है भैया? जून 18 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, बाद में हम सॉल्व करते हैं। चलो वीडियो पॉज करके पहले आपको खुद को ट्राई करनी है, बाद में हम सॉल्व करते हैं। आप सब लोगों ने सॉल्व किया है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है? कंपाउंड सो फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा, एनएमआर के डेटा दिए हुए हैं और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेटा दिए हुए हैं। उसके हमें ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब जब पहले तो एक बात, एनएमआर के डेटा हो और एरोमेटिक रिंग ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा हो ना, एरोमेटिक रिंग, तो पहले तो आप जानते हैं ना सब लोग कि एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग, तो उसका एरोमेटिक प्रोटॉन जो है आपके पास, जो प्रोटॉन है उसकी डेल्टा पीपीएम की रेंज कितनी होगी भैया? 6.5 से लेके 8.5 के बीच में, कोई भी हो सकती है, 6.5 से 8.5 के बीच में। तो वो देखिए, तो ऐसे कितने डेट आपको सिग्नल दिए हुए हैं, ऐसे कितने सिग्नल है कि 6.5 और 8.5 के बीच में आते हो? तो कि भैया ऐसे आपके पास दो सिग्नल है, एक 7.9 वाला, एक 6.6 वाला, ऐसे दो सिग्नल आपको दिए हुए हैं। तब अब क्या करेंगे? अब आपको करना क्या है मालूम है? यहाँ तो आपको दो ही डेटा दिए हुए हैं, बेंजीन रिंग के दो ही प्रोटॉन के सिग्नल है, इसका मतलब क्या है? आइए देखते हैं। मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, बाद में ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब ऐसे आपको दो सिग्नल दिए हुए हैं ना, तब कौन सी प्रोबेबिलिटी आ सकती है भैया? तब कौन सी प्रोबेबिलिटी आ सकती है बेंजीन रिंग के प्रोटॉन की? जब आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो। कौन सा? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यहां मैं लिख ही देता हूं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन, विथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हो। अब क्या कहता है मालूम है? ऐसा, चलो X और Y ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कितने हैं भैया? अलग अलग है ना, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन अलग अलग है। तो क्या अब इसके टोटल NMR सिग्नल सिर्फ बेंजीन रिंग के प्रोटॉन ही देखने हैं आपको? क्या देखना है? बेंजीन रिंग के प्रोटॉन कितने हैं वो देखना है। तो यहाँ देखो, तो बेंजीन रिंग के कितने NMR सिग्नल मिलेंगे आपको? कितने NMR सिग्नल? तो क्या भैया यहाँ पे 4 NMR सिग्नल मिलेंगे। क्यों? अरे क्यों मिलेंगे 4? क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो क्या चारों के चारों सेम है, चारों के चारों अलग है? क्या दो सेम है, अलग अलग है? अभी मैं आपको पता है ना, ये वाई के ऑर्थो पोजीशन पे है, ये वाई की मेटा पोजीशन पे है, वाई की पेरा पोजीशन पे है और वाई की मेटा पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपने इसे एच ए बोल दिया ना, तो ये एच बी आएगा, सी और डी। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो और दोनों का सब्स्टिट्यूशन जब अलग अलग हो, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है भैया? ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं ना इसे, ये है ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो टोटल सिग्नल एनएमआर के 1H कितने मिले भैया? 4 सिग्नल मिले। समझना, ये लॉजिकली और इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। अब मैं, क्योंकि यहाँ तो C2 ऑक्सिस भी प्रेजेंट नहीं है और प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये चारों के चारों प्रोटोन आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूशन देंगे। दूसरी बात करता हूँ मैं मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। किसकी भाई? मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, तो अब बाकी बचे 4 प्रोटॉन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। देखो तो क्या इसमें C2 ऑक्सिस या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं है। C2 ऑक्सिस अब बीच में से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कैसे है? अलग अलग है। ये पर्टिकुलर में दोनों सब्स्टिट्यूशन अलग अलग है, उसी की ही बात कर रहा हूँ। तो ये मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भैया, तो इसमें यदि मैंने इसे एच ए बोला तो ये बी सी और डी हो जाएगा। तो इसमें भी 4 सिग्नल मिले, इसमें भी कितने सिग्नल मिले? 4 सिग्नल मिले। लास्ट वन अब मैं बात करता हूँ,
पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, किसकी भैया, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एक्स और वाई तो रख दिए ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मुझे बताना पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कितने सिग्नल मिलते हैं प्रोटॉन के, H1N बेंजीन रिंग के चार प्रोटॉन है तो क्या चार सिग्नल देंगे या सिर्फ दो सिग्नल देंगे, ये आप सोचो और आपकी बुक में लिखिए, अभी लिखिए। मैं कहता हूँ ये सिर्फ मुझे दो सिग्नल देंगे, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ से आप C2 ऑक्सीज लगा सकते हैं, जैसे ही C2 लगाओगे तो ये HA घूमकर इधर आ जाएगा, यदि आपने इसे HB बोला तो ये घूमकर इधर आ जाएगा, तो टोटल आपको दो सिग्नल मिले, टोटल कितने सिग्नल मिले, दो। अब ये कौन से कहाँ पे काम आएगा मालूम है आपको, हमारे क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आपको NMR के वहाँ दो बेंजीन रिंग के, सिर्फ बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन है ना उसके यदि चार सिग्नल दिए होते ना तो या आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या मेटा सब्स्टिट्यूटेड कोई भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे यदि हमें दो ही सिग्नल बेंजीन रिंग के प्रोटॉन के दिए हुए हैं तो कितने सिग्नल होते भैया, तो दो ही सिग्नल होते। तो अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चंस में। चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन, चलो देखो तो भैया यहाँ पे बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन है ना, बेंजीन रिंग के प्रोटॉन, उसके सिर्फ दो सिग्नल दिए हुए हैं, कितने हैं, दो सिग्नल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या था कि यदि सिर्फ दो सिग्नल आ रहे हैं ना, कितने, सिर्फ दो सिग्नल, तो क्या है आपका कंपाउंड में, आपके कंपाउंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, कौन सा भैया, आपका कंपाउंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, यदि ऑर्थो और मेटा होता तो कितने सिग्नल आते, चार सिग्नल आते, बेंजीन रिंग के चार जो प्रोटॉन है वो चारों के चारों अलग अलग सिग्नल देते, यहाँ हमें सिर्फ दो सिग्नल मिले ना, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब साफ है कि जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड है वो हमारा आंसर प्रोबेबल हो सकता है, यानी कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी में मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ एच, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यदि मैंने इसे HA बोला ना तो ये HB, HC और HD, मैं सिर्फ बेंजीन रिंग के प्रोटॉन की ही बात कर रहा हूँ, अभी दूसरे प्रोटॉन को अभी नहीं देखना, कैसे आंसर, जो गलत आंसर है उसको कैसे निगलेक्ट करते हैं वो सीखो पहले। तो भैया इसमें तो बेंजीन रिंग के चार सिग्नल मिलते हैं ना, कितने सिग्नल मिलते हैं, चार, इसमें बेंजीन रिंग के, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें बेंजीन रिंग के कितने सिग्नल मिलते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 बेंजीन रिंग के, यहाँ पे भी चार सिग्नल मिलते हैं, तो हमें तो कितने दिए हुए हैं बेंजीन रिंग के प्रोटॉन के, दो ही सिग्नल, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही होने वाले हैं ना, ये दोनों ऑप्शन तो गए, ये तो नहीं आएंगे। चलो आराम से आपने दो ऑप्शन तो निकाल दिए, दो तो गए, दो तो आराम से गए, अब जो बचा है ना वो इसका मामला है, वो मामला इसका है, आइए देखते हैं ए और बी में से कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, इसको अब मैं जाने दूं कि नहीं जाने दूं, चलो ना इसको अभी जाने देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं हमें। अब हमें दिया हुआ है, चलो ये बात तो तय हो गई कि 7.9 है, कौन सा है भैया, एक 7.9 है, 7.9 ऑन एवरेज कितना होता है जानते हैं ना आप, ऑन एवरेज 7.5 होता है, 7.5 होता है बेंजीन रिंग के प्रोटॉन का सिग्नल, 7.5 होता है। अब उस पर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना तब क्या होता है, डेल्टा PPM 7.5 से इंक्रीज होती है, 7.5 से इंक्रीज होती है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो डेल्टा PPM 7.5 से डिक्रीज हो जाएगी, 7.5 से डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा देखिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, यहाँ पे 7.9 2H डबलेट दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको 7.9 2H डबलेट, तो 2H डबलेट क्या हो सकता है, ऐसे इधर देखो ना, वो ऑप्शन भले इधर रहने दीजिए उसे, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है ना पहला। अब मैं इसमें बात करता हूँ ये प्रोटॉन के बारे में,
यहाँ पे रहे प्रोटॉन। अभी मुझे डेल्टा पीपीएम के बारे में डिस्कस नहीं करनी है, सिर्फ देखो कितना, आपको इतना ही देखना है, 2H डबलेट दिया हुआ है और इसका कपलिंग कांस्टेंट 8 हर्ट्ज दिया हुआ है, कपलिंग कांस्टेंट उसका दिया हुआ है 8 हर्ट्ज, 2H डबलेट है। अब देखो यदि मैंने ये पहले तो ये कोई भी है ना, इसको रेंडमली मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने एच ए कह दिया, इसको क्या कह दिया एच ए, तो ये भी क्या आएगा एच ए, ये एच बी है तो ये भी क्या आएगा एच बी। देखो तो ये पहला सिग्नल है ना, जो पहला सिग्नल टू है क्या एच ए, दो है हमारे पास, दो हाइड्रोजन है, हाँ है भैया ऐसे एच ए टाइप के दो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 2H तो हो गया हमारा पहला, तो पहली बात तो हमने सेटिस्फाई कर ली कि चलो ये 2H है। अब ये हाइड्रोजन HA है उसका स्प्लिटिंग कौन करेगा, उसका HA का स्प्लिटिंग कौन करेगा भैया, तो कि उसके बगल में रहने वाला प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन करता है, कौन करता है उसके बगल में रहने वाला नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और एक बात याद रखो, और एक बात याद रखो, स्पेशली बेंजीन रिंग के लिए, किसके लिए, स्पेशली बेंजीन रिंग के लिए, ऑर्थो पे रहने वाला यदि प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट होगा ना तो वो भी स्प्लिटिंग करेगा, मेटा पे रहने वाला भी नॉन इक्विवेलेंट होना चाहिए, स्प्लिटिंग तो एक आप जानते हैं ना कि नॉन इक्विवेलेंट होगा तो ही स्प्लिटिंग करेगा, इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक दूसरे का स्प्लिटिंग नहीं करते, तो यदि ऑर्थो पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो भी स्प्लिटिंग करेगा, यदि मेटा पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो भी स्प्लिटिंग करेगा, लेकिन पेरा पे यदि इक्विवेलेंट हुआ या नॉन इक्विवेलेंट हुआ, पेरा पे वाला प्रोटॉन हमारे प्रोटॉन का स्प्लिटिंग नहीं करेगा, ये बात याद रखना। अब देखो इधर ये ऑर्थो पे है ना, एच बी ऑर्थो पे है, एच ए और एच बी दोनों नॉन इक्विवेलेंट है, तो ये एच बी जो है, एच बी ये हमारे एच ए का स्प्लिटिंग कर देगा, हमारे एच ए का स्प्लिटिंग करेगा। देखो तो यहाँ यहाँ हिट्रो एटम आ गया, कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, कार्बन से तो डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है ना, तो नाइट्रोजन एच ए का स्प्लिटिंग नहीं करेगा, आई बात समझ में, नाइट्रोजन एच ए का स्प्लिटिंग नहीं करेगा। ठीक वैसे ही ये तो पेरा एच, ये मैं पर्टिकुलर ये एच ए की बात कर रहा हूँ, किसकी भैया एच ए की, तो एच ए और ये वाला एच बी दोनों के पेरा पे है, तो ये एच बी हमारे हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग नहीं करेगा, एक बात। चलो इस ये एच ए का पहले स्प्लिटिंग किसने किया, एच बी ने कर दिया, एच बी कितने एच बी मिल के एच ए का स्प्लिटिंग कर रहे है, तो क्या भैया एक ही एच बी स्प्लिटिंग कर रहा है एच ए का, एक एच बी स्प्लिटिंग कर रहा है एच ए का, तो सिर्फ एक ही एच बी यदि स्प्लिटिंग कर रहा है ना, सिर्फ एक ही एच बी यदि स्प्लिटिंग कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे डबलेट में स्प्लिटिंग हो रहा है, किस में हो रहा है, डबलेट में एच ए का स्प्लिटिंग हो रहा है। दूसरी बात, ये एच ए और एच बी दोनों की पोजीशन कौन सी है भैया, दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है, कहाँ पे है दोनों, एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे, यदि एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है तो उसका कपलिंग कांस्टेंट जे ए बी 8 हर्ट्ज आता है, ऑर्थो कपल करता है यानी कि 8 हर्ट्ज आता है। तो ये पहला डेटा जो है ना, पहला डेटा वो हमारे बेंजीन रिंग के प्रोटोन से सेम टू सेम मैच कर रहा है, कैसे, तो क्या भैया एच ए दो है हमारे पास तो 2H लिख सकते हैं, एच ए का स्प्लिटिंग कौन कर रहा है, तो क्या भैया एक अकेला एच बी एच ए का स्प्लिटिंग कर रहा है, तो एक पर्सन यदि स्प्लिटिंग करेगा, एक पर्सन स्प्लिटिंग करेगा तो क्या होता है, एक पर्सन स्प्लिटिंग करता है ना तो वो डबलेट में स्प्लिटिंग करता है, किस में भैया डबलेट में, तो एच बी ने एच ए का स्प्लिटिंग कर दिया डबलेट में, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो स्प्लिटिंग करने की कपलिंग कांस्टेंट है, स्प्लिटिंग करने का कपलिंग कांस्टेंट है, दोनों की पोजीशन डिसाइड करता है, वो 8 हर्ट्ज आपको दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑर्थो कपल है, दोनों की पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे आ गए। चलो अभी मैंने किसी की भी डेल्टा पीपीएम डिसाइड नहीं की, दोनों सिग्नल ऐसे ही है ना, चलो एच ए के बाद समझ में आ गई आपको, एच ए की बात तो समझ गए ना, अब बात करता हूं मैं एच बी की, क्या एच बी की, एच बी की एच ए यहां पे और यहां पे क्या है एच बी,
दूसरा सिग्नल देखते हैं भैया, दूसरा सिग्नल ये भी 2H डबलेट है। तो A की तो बात हमने कर ली, अब B की बारी आई, तो क्या H B कितने हैं हमारे पास, तो कि भैया दो है, तो यहाँ 2H फ्रेगमेंट तो हमारे साथ सेटिस्फाई कर गया। अब डबलेट, डबलेट यानी कि एच बी का स्प्लिटिंग कौन करेगा, एच बी का स्प्लिटिंग कौन करेगा, तो यहाँ पे देखो तो एच बी और एच ए दोनों ऑर्थो पोजिशन पे है, तो ये वाला एच ए अब हमारे एच बी का स्प्लिटिंग करेगा, तो वो तो स्वाभाविक है ना भैया। पहले ये एच बी गुजराती में क्या कहते हैं इसे, गुजराती में शू कहवा चोखू के आ भाई मोटा उपाड़े गो तो आना घरे बाधवा, શું મોટા ઉપાડે આના ઘરે બાજવા ગયો હતો, તો આ ભાઈ તો પહેલાં આના ઘરે જઈ અને એચ એનું સ્પ્લિટિંગ કરી આવ્યા, પછી શું થયું, હવે વારો કોનો આવ્યો સ્પ્લિટિંગ થવાનો, એચ બીનો, તો ઓલો ભાઈ આવશે જ ને, એચ એ હે એ એચ બીનું સ્પ્લિટિંગ કરવા આવશે જ, તો ઠીક વેસે હિ પહેલે એચ એ કા સ્પ્લિટિંગ કિયા કિસને, એચ બી ને, અબ સ્પ્લિટિંગ હોને કી બારી કિસકી આવી, એચ બી કી, તો एच बी यदि एच ए का स्प्लिटिंग कर सकता है, एच बी एच ए का स्प्लिटिंग कर सकता है, तो एच ए भी करेगा, एच ए भी एच बी का स्प्लिटिंग करेगा, तो चलो एच बी का स्प्लिटिंग कर रहा है कौन, एक अकेला एच ए, यदि एक अकेला एच ए उसका स्प्लिटिंग कर रहा है, उसका मतलब वो स्प्लिटिंग किस में होगा, डबलेट में होगा, ये स्प्लिटिंग डबलेट में हो गया, तो वो ये फ्रेगमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा इसमें कपलिंग कॉन्स्टेंट 8 हर्ट्स है, उसका मतलब ये दोनों ऑर्थो कपल पे है, दोनों कहाँ पे है, ऑर्थो कपल पे है, ये बात हो गई। चलो तो ये दोनों बेंजीन रिंग के तो प्रोटॉन की बात हो गई, अब बारी आई उसके बाकी रहे सिग्नल की, 4.32H क्वार्टेट, अगले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, अगले लेक्चर में समझाया था देखो इधर कि यदि आपको 2H ट्रिपलेट दिया हुआ हो या 2H क्वार्टेट दिया हुआ हो, क्या हो, क्वार्टेट दिया हुआ हो, तो इसका मतलब तो साफ साफ ये होगा ना कि यहाँ पे 2H ट्रिपलेट का मतलब, तो पहले तो 2H लिखो और ट्रिपलेट यानी कि उसके बगल में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन दो होंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन दो होंगे तो ही ये ट्रिपलेट हो सकता है, और 2H क्वार्टेट किसे लग सकते हैं, तो पहले तो 2H क्वार्टेट यानी कि उसके बगल में तीन प्रोटॉन होंगे स्प्लिटिंग करने वाले, तो ये तीन हो गए। मैं ये 2H की बात कर रहा हूँ, ये दोनों 2H की बात कर रहा हूँ, यदि इसकी डेल्टा ppm आपको दी दिखाई दे 3.8 से लेके 4.4 के बीच में, कहाँ से 4.4 के बीच में, तो ये 110% ये जो CH2 होगा आपका, ये आपका CH2 वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, किसके साथ भैया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। यदि ऐसा आपको दिखाई दे 2H ट्रिपलेट या क्वार्टेट हो, तो वो तो आपको यहाँ ट्रिपलेट और क्वार्टेट डिसाइड करने हैं, लेकिन ये CH2 किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा, देखो ना कंपाउंड में, अब कंपाउंड में देखो, यहां आपको 4.32H क्वार्टेट दिया हुआ है। 2H क्वार्टेट का मतलब क्या है, ये तो आप जानते हैं ना, 2H क्वार्टेट का मतलब क्या है कि CH2CH3 होगा, ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास, हाँ भैया है, दोनों में है, देखो ना दोनों में है, इधर इधर देखो, यहाँ CH2CH3 है, यहाँ पे भी CH2CH3 है, यहाँ पे भी CH2CH3 यहाँ पे भी है, तो 2H क्वार्टेट आपको दिया हुआ है ना, 2H क्वार्टेट दिया हुआ है, तो ये 2H क्वार्टेट किसका है भैया, ये वाले प्रोटॉन का, यहाँ पे कार्बन पे जो प्रोटॉन है इसका है, 2H क्वार्टेट इसका है, और यहाँ पे 4.02H सिंगलेट दिया हुआ है, 4.02H सिंगलेट दिया हुआ है, तो आप जानते हैं ना, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ लिखना रह गया है, यहाँ पे लिखना रह गया है, चलो कोई बात नहीं, हम पेपर में ही जाके देख लेते हैं, 1. यहाँ एक रह गया है, 1.4 ट्रिपलेट कपलिंग कॉन्स्टेंट 6 हर्ट्ज़,
3H, ये एक सिग्नल लिखना रह गया था, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे पहला ये तो हमें मिल गया कि 2H, यहाँ पे जो 2H क्वार्टेट है, ये सिग्नल दोनों में है 2H क्वार्टेट, और उसकी डेल्टा ppm 4.3 वो ऑक्सीजन के पास है। देखो ये भी ऑक्सीजन के पास, ये भी ऑक्सीजन के पास। अरे ये तो बहुत ही नाइंसाफी हुई हमारे साथ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से हमें पता नहीं चला कि एस्टर है या इथर लिंकेज है, एस्टर है या इथर लिंकेज है, ये अभी हमने डिसाइड नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चर से, ये डेटा से हमें पता नहीं चला। ये डेटा तो सिर्फ 4.3 बताता है कि ऑक्सीजन के पास है, तो दोनों में ऑक्सीजन के पास है। यहाँ 4.0 ब्रॉड सिग्नल दिया हुआ है 2H, किसका है भैया? 2H सिंगलेट, 2H सिंगलेट यानी कि हिट्रो एटम है, 2H या हिट्रो। यहाँ पे देखो NH2 है ना, NH2 हिट्रो एटम है। और आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं भैया क्या होता है, कि जो D2O एक्सचेंजेबल होता है वो हिट्रो एटम पे रहने वाले प्रोटॉन यानी कि OH पे रहने वाले OH वाला प्रोटॉन, और यहाँ NH2 वाला दोनों प्रोटॉन D2O से एक्सचेंजेबल है। आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये प्रो सिग्नल उसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के दोनों प्रोटॉन का सिग्नल कितना आया भैया? 4.0 2H सिंगलेट। तो ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है। तो NMR से सिर्फ हमें इतना, ये दोनों स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, NMR से ये दोनों स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। अब आते हैं दूसरा डेटा भी उन्होंने दिया हुआ है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। दूसरा डेटा किसका है भैया? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो आइए, हमने मैंने आपको पढ़ाया था ना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया था, क्या था? एक बात आप जानते हैं, हाँ कि ना? अरे हाँ ना बता दीजिए ना, अभी मैंने बताया ही नहीं तो आप क्या जानते हैं? NH2, इसका ये दोनों का मोलेक्युलर वेट तो सेम ही आएगा, M, ये M 165 है, कितना है? 165 है। ये कौन सा है भैया? एस्टर है। ये पहला वाला कंपाउंड, ये ए ऑप्शन मैंने लिखा, ये एस्टर है। दूसरा कौन सा है? इथर है। दूसरा इथर है, यहाँ पे एमीन ग्रुप है, यहाँ पे एमाइड ग्रुप है, यहाँ पे एमीन और यहाँ पे एमाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको पीक दिया हुआ है 1, एम पीक एम दिया हुआ है 165। और जब जब इथर आए ना, इथर लॉन्ग चेन इथर, यहाँ पे देखो चेन है ना, यहाँ पे CH3 है, तो ये CH3 ये सा इथर है। तो इथर का फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं, यदि इथर में से यदि इथिलीन रिमूव हो रहा है, इथर में से यदि इथिलीन रिमूव हो रहा है, तो पहले उसे ही रिमूव करवाना है आपको, क्या? इथिलीन। तो कैसे रिमूव करवाओगे यहाँ से? देखो तो भैया, इसको मैं ऐसे लिखूँ तो आपको क्या दिक्कत है? अरे हाँ ना बता दो, दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो CH3 ही है ना। ये कार्बन के एक हाइड्रोजन को मैंने अलग लिखा है सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं किया। उसमें से जब एस्टर में से यदि इथर रिमूव हो रहा है, तो पहले इथर रिमूव करवा दो। इधर में इथिलीन रिमूव करवाता हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर चला आएगा, ये 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी आपने इसे प्रोवाइड की, तब ये कैटायनिक रेडिकल बन गया होगा, फिर आपको फ्रेगमेंटेशन करवाना है। आइए देखते हैं फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। देखो यहाँ से ये बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बना क्या भैया, बताओ ना? इथिन। यहाँ पे तो बेंजीन रिंग एज इट इज है ना, ये बेंजीन रिंग एज इट इज, या डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, याद रखना। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 तो था, तो ये CH2 इथिलीन तो रिमूव हो गया ना। और यहाँ पे H+, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बना क्या भैया? H+। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा। इन शॉर्ट यहाँ पे बन क्या जाएगा? यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो आपको आपको यहाँ से क्या मिला? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन शॉर्ट 165 में से मैंने कितना रिमूव करवा दिया? 28 जितना रिमूव करवा दिया, यहाँ 137 बनेंगे। तो ऐसा पिक आपके कंपाउंड में है, ऐसा पिक यहाँ है, देखो 137 वाला पिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी मैच कर रहा है, ये
पहला स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। दूसरा यहाँ इथर लिंकेज है, कौन सी वाली इथर लिंकेज है। एस्टर में आपको क्या रिमूव करवाना है, इथिलीन, और यहाँ पे इथर लिंकेज है, वहाँ पे दूसरा है एमाइड, कौन सा है दिया, यहाँ पे दूसरा क्या है एमाइड है, और एमाइड का फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको कल करवाया था ना, एमाइड का फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको कल करवाया था, क्या था, पहले तो एमाइड में क्या रिमूव करवाना है यहाँ से NH2, तो 165 में से आपको 16 रिमूव करवाना है, 165 में से आप 16 रिमूव करवाओगे तो कितना आएगा भाई, 149 पे पीक आना चाहिए, 149 पे इसका पीक आना चाहिए, लेकिन ऐसा पीक हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं दिया हुआ है। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि ऑप्शन बी हमारे लिए गलत है, ऑप्शन ए ही सही है। अब आप चेक कर लेना, यहाँ से पहले इथिलीन रिमूव करवा दिया, चलो मैं ही चेक करवा देता हूँ, मैं ही हम कंफर्म कर लेते हैं ना, यहाँ पे इसका पीक कहाँ पे आएगा भैया, इसका पीक आपको 137 पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, 137 पे मिलेगा। अब मैं उसी को ही इसको अब मैं जाने दूँ, इसकी जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे मिला क्या, एसिड आ गया ना हमारे पास, एसिड आ गया यहाँ पे NH2 as it is है। अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, एसिड में से OH आप जानते हैं, एसिड आई है तो उसका पहला OH निकाल दो, OH निकालोगे तो 137 में से 17 आपको बात करने होंगे, 16 ऑक्सीजन के एक हाइड्रोजन के, OH निकाल दोगे तो यहाँ पे इसका पीक कितने का मिलेगा भैया, इसका जो आएगा वो 120 पे आएगा, क्या ऐसा पीक है, ऐसा पीक है कि नहीं है। अरे ये रहा 120 वाला भी पीक है हमारे पास, इसका साफ साफ मतलब ये होता है हमारा आंसर कौन सा वाला है, ए, हमारा आंसर है ए। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, चलो फिर से ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा, ए, फाइनल आंसर आपने लिखा है ए। तो ये बात थी 4 मार्क्स के क्वेश्चन की, इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखो ये भी जून 18 का है, देखो जून 18 में मैं आपको बता दूँ, जून 18 में कितने भैया 16 मार्क का स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा गया था, 16 मार्क्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी जून 18 में पूछा गया था, और मिनिमम कोई भी पेपर होगा ना उसमें मिनिमम 12 मार्क का स्पेक्ट्रोस्कोपी आता ही आता है, तो आराम से आपको ये 12 मार्क लेने हैं किसी ना किसी तरह, इसमें कुछ नहीं करना, CMR के सिग्नल कैलकुलेट करने हैं, CMR के सिग्नल कैलकुलेट करने हैं आपको, तो एक काम करना, चलो एक काम करना भैया, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर है ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे देना, कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आए, ABCD जो भी आंसर आए ना, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखना भैया, सोल्व करके लिखना, यदि तकलीफ होगी तो मैं फिर से आपको सोल्व करवा दूंगा। चलो मिलते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करना, और यदि इसमें दिक्कत आ रही है ना तो CMR के मैंने बहुत सारे एग्जांपल, मोर देन 70 प्लस एग्जांपल CMR के नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट किए हैं वो हमारे लेक्चर्स में मैंने एग्जांपल सोल्व करवाई है, वो आपको सोल्व करने हैं, वो लेक्चर जाके देख लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना, थैंक यू वेरी मच।